आप लोगों ने कभी ना कभी दूध या पानी को तो गर्म किया ही होगा, अगर गर्म नहीं किया होगा तो गर्म करते हुए तो देखा ही होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब हम दूध को ज़्यादा टाइम तक गर्म करते हैं तो वो नीचे की ओर गिरने लगता है, और पानी को कितना भी गर्म कर लो वो नीचे की ओर गिरता ही नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? और क्या आपको ये पता है कि एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे जीवन में कितना खाना खा सकता है? और क्या आपको ये पता है कि इंग्लिश में एक ऐसा भी वर्ड है जिसमें पूरे 26 के 26 लेटर आते हैं, मतलब पूरा ए से जेड तक के लेटर आते हैं, तो वो कौन सा वर्ड है? तो कुछ इसी तरह की गजब की फैक्ट्स देखने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 11, एक सामान्य इंसान अपने पूरे जीवन काल में करीब 35 टन खाना खा लेता है। नंबर 10, आप लोगों ने चूहा तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि चूहा अगर 5 मंजिल ऊंची इमारत से भी कूद जाए तो भी उसे चोट नहीं लगेगा, अगर वो सही बैलेंस बनाकर कूदता है तो। नंबर 9, औसतन महिलाएं अपने जिंदगी के 10 साल सिर्फ और सिर्फ रसोई में ही बिताती है। नंबर 8, आप लोगों ने सैमसंग का नाम तो सुना ही होगा और सैमसंग का मोबाइल यूज तो कभी ना कभी किया ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सैमसंग का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है, और दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, इसका निर्माण भी सैमसंग कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया था। नंबर 7, आप लोगों ने कभी ना कभी बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिल गेट्स अगर अपना एक अलग देश बनाता है तो वो विश्व का 37वां सबसे अमीर देश होगा, ये इतने अमीर इंसान है बिल गेट्स। नंबर 6, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस वाक्य में अंग्रेजी के 26 के 26 लेटर आते हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूरे ए से जेड तक के एक एक वर्ड आते हैं और पूरे 26 के 26 लेटर आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड में। नंबर 5, एक शोध के अनुसार एक व्यक्ति जितनी ठंडी जगह में सोता है उसे उतने ही अधिक डरावने सपने आते हैं, ये भी एक फैक्ट है। आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो उस समय बहुत अधिक डरावने सपने आते रहते हैं, लेकिन जबकि गर्मी के समय ऐसा नहीं होता। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ अगर आप इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड्स पंकज को सब्सक्राइब करके बगल का जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियोस नॉलेजफुल वीडियोस लाता रहूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे आप हमारी सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट्स की ओर। नंबर 4, आप लोगों ने कभी ना कभी जानवर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसमें मांसाहारी जीव होते हैं और शाकाहारी जीव होते हैं और एक सर्वाहारी जीव होते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो सभी मांस को खा सकते हैं, और जो शाकाहारी जीव होते हैं वो सिर्फ मांस को नहीं खाते बल्कि वो हरे पत्ते और घास वास को खाकर अपना जीवन चलाते हैं, और जो सर्वाहारी होते हैं वो सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं और हरी पत्तियां भी खाते हैं। लेकिन इसमें फैक्ट यह है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो पानी को जीभ से चाट कर पीते हैं, और जो शाकाहारी जीव होते हैं वो पानी को अपने जीभ से चूस कर पीते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आप लोगों ने कभी ना कभी कुत्ता तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है कि जो कुत्ता होता है वो पानी को चाट कर पीता है, क्योंकि वो क्या है, मांसाहारी है। और अगर हम शाकाहारी का एग्जांपल लें तो आप लोगों ने कभी ना कभी हिरण को पानी पीते तो देखा ही होगा, अगर रियल में नहीं देखा होगा तो टीवी में तो देखा ही होगा, उसे देखना वो चूस कर पानी पीता है क्योंकि वो शाकाहारी जंतु है। तो कुछ इसी तरह की बहुत सारे फैक्ट्स जानवर के में भी छुपे हुए हैं, जो आप मेरी पूरी वीडियो को चेक करोगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, और ये नंबर 3 बहुत ही कमाल का फैक्ट्स होने वाला है और मेरा सबसे बेस्ट फैक्ट्स होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से जरूर सुनना। जब भी आप दुखी हो या फिर टेंशन में हो उस वक्त अपनी माँ से बात जरूर करना, क्योंकि जो हमारी माँ की आवाज़ होती है वो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन केमिकल, और ये जैसे ही हमारी बॉडी में रिलीज होने लगती है तो हमारा जो मूड है वो अच्छा होने लगता है, मतलब हमारा जो दुखी रहेंगे या फिर टेंशन रहेंगे वो कम हो जाता है, हमारा मूड पहले की तरह ठीक हो जाता है। तो यही है एक ट्रिक, अगर आप कभी भी गुस्से में हो तो अपनी माँ से बात जरूर करना। नंबर 2, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम दूध को गर्म करते हैं और ज़्यादा टाइम तक गर्म कर देते हैं तो वो उबल कर नीचे की ओर गिरने लगती है, और अगर हम गैस बंद ना करें तब तो वो पूरी नीचे की ओर गिर ही जाएगी, और अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी को चाहे कितना भी गर्म कर ले वो नीचे की ओर गिरती नहीं है। तो क्या आपको ये पता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जो मिल्क होता है ना दूध, वो वाटर फैट प्रोटीन एंड लैक्टोज का मिश्रण होता है, और जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद फैट ऊपर की ओर तैरने लगता है, मतलब ऊपर में अपनी एक लेयर बना लेगा, क्रीमी लेयर बना लेगा और ये तैरने लगेगा,
और जब इसे बॉयल किया जाता है, मतलब जब इसे गर्म किया जाता है, तब इसमें जो पानी रहता है वो भाप बनकर उड़ने लगता है, और जो फैट होता है उसी की वजह से जो दूध है वो ऊपर की ओर उठने लगता है और नीचे की ओर गिरने लगता है। लेकिन जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसमें किसी भी तरह की फैट नहीं पाई जाती, उसमें किसी भी तरह का फैट जो है वो उपलब्ध नहीं रहता। इसलिए जब वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर पर आता है तो उसके वेपर डायरेक्टली एटमोसफेयर पर चले जाते हैं और वहाँ पर फैट की कोई भी लेयर नहीं बनती, इसलिए वो ऊपर की ओर नहीं उठता। यही कारण कि दूध को ज़्यादा टाइम गर्म करने पर वो नीचे गिरने लगती है, जबकि पानी नहीं गिरती। नंबर वन, अब मैंने तो बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को बता दिए, अब ये रहा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये रहा आपका क्वेश्चन, अगर मेरा नाम मैं है और तेरा नाम तू है तो बताओ पागल कौन है। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देखते हैं हमारे वीडियोस को कितने इंटेलिजेंट लोग देखते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके।